हिंदू पंचांग में अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। यह तिथि श्रीहरि नारायण को समर्पित है और इसके साथ ही साथ यह तिथि पितरों को समर्पित माना जाता है। जब अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या हमें बहुत ही कम प्राप्त होती है, जैसे किसी साल यह एक प्राप्त होती है, किसी साल यह दो प्राप्त होती है और किसी साल यह हमें तीन प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या का बहुत ही खास महत्व होता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पतियों की दीर्घायु की कामना से व्रत का विधान करती हैं। इस दिन पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने का नियम है। इस दिन अगर कोई मौन व्रत करता है तो उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन पीपल परिक्रमा को अश्वत्थ प्रदक्षिणा कहा गया है। इस दिन पीपल वृक्ष के चारों तरफ धागा लपेटते हुए 108 परिक्रमा करने का नियम है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 में कितनी सोमवती अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है, किस किस महीने में हमें प्राप्त हो रही है और कौन कौन सी तारीख को हमें प्राप्त हो रही है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और जो लोग नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं सोमवती अमावस्या का, क्या वो इस साल नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं आदि बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से, चैनल के सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय के समय पीपल के वृक्ष की जल से, दूध से, चंदन से, हल्दी से, पुष्पादि से, धूप और दीप के संग पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए कच्चा सूत लपेटते हुए 108 परिक्रमा किया जाता है। और एक दूसरे नियम के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन भौरी देने का नियम है। जब कोई महिला पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत प्रारंभ करती है तो उसे पहली बार अपने मायके से धान पान और हल्दी लाना होता है और उसी से अपने व्रत का, अपने पूजा का प्रारंभ करना होता है। और उसके पश्चात जब अन्य सोमवती अमावस्या आती है तो अपनी श्रद्धा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार 108 फल, 108 मिठाई, 108 विभिन्न प्रकार की सुहाग की सामग्रियाँ, 108 खाने में प्रयोग होने वाले जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं आदि, इन सभी चीज़ों से भौरी देने का नियम है। और भौरी पे जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है वह किसी योग्य ब्राह्मण को, अपने नंद को या फिर भांजे को दिया जाता है। जैसे इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी महीने को नए साल का पहला महीना माना जाता है, उसी प्रकार हिंदी कैलेंडर में चैत्र के महीने को नए साल का पहला महीना माना जाता है। तो इस साल 2024 में अगर कोई सुहागन महिला सोमवती अमावस्या का व्रत प्रारंभ करना चाहती है तो वह प्रारंभ कर सकती है, क्योंकि पिछले साल 2023 में सावन के महीने में अधिक मास लगा था, जिसे हम मलमास भी कहते हैं। तो जिस साल अधिक मास या मलमास लगता है उस साल हम नया व्रत प्रारंभ नहीं करते हैं, और जिस महीने से अधिक मास या मलमास लगता है उस महीने से नया व्रत बंद हो जाता है, और वो तब तक बंद रहता है जब तक कि हमारा नया साल प्रारंभ न हो जाए। तो होलिका दहन के पश्चात हमारा नया साल प्रारंभ हो जाता है। तो अब 2024 में अगर कोई भी सुहागन महिला सोमवती अमावस्या का व्रत प्रारंभ करना चाहती है तो वो प्रारंभ कर सकती है। महाभारत में पितामह भीष्म ने सोमवती अमावस्या के महत्व को बताते हुए कहा है कि इस दिन अगर पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है तो मनुष्य स्वस्थ होता है, दीर्घायु होता है, समृद्धशाली होता है और सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और इसके साथ ही साथ अगर पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है तो पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इस दिन गंगा स्नान से, पीपल के वृक्ष की पूजन से और परिक्रमा करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि 2024 में हमें किन किन महीनों में सोमवती अमावस्या प्राप्त हो रही है। तो 2024 में हमें तीन सोमवती अमावस्या प्राप्त हो रही है। अब पहली जो सोमवती अमावस्या है वो चैत्र महीने में 8 अप्रैल को हमें प्राप्त हो रही है। तो 8 अप्रैल की जो सोमवती अमावस्या है, इस दिन अमावस्या तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 7 अप्रैल की रात्रि में 3:21 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रही है, और ये अमावस्या तिथि 8 अप्रैल की रात्रि में 11:50 तक हमें प्राप्त हो रही है। इसके पश्चात जो दूसरी सोमवती अमावस्या प्राप्त हो रही है वो हमें भादो के महीने में 2 सितंबर को प्राप्त हो रही है। और इस दिन जो 2 सितंबर की जो सोमवती अमावस्या है, इस दिन जो अमावस्या तिथि जो प्रारंभ होने के जो समय है वो 2 सितंबर की सुबह में 5:21 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें प्राप्त हो रही है। इसके पश्चात जो तीसरी सोमवती अमावस्या है वो हमें पौष महीने में 30 दिसंबर को प्राप्त हो रही है। तो जो 30 दिसंबर की जो सोमवती अमावस्या है, इस दिन जो अमावस्या तिथि जो प्रारंभ होने का समय है वो 30 दिसंबर की ब्रह्म मुहूर्त में 4:01 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रही है, जो कि 30 दिसंबर की रात्रि में 3:56 तक में प्राप्त हो रही है।
उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर सोमवती अमावस्या से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। लक्ष्मी नारायण की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।